हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बूट स्ट्रैपर। ओके, तो आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो लास्ट टॉपिक है उसे कवर करेंगे, विच इज़ फूड फ्रॉम एनिमल। इसमें हम पढ़ेंगे एडिबल एनिमल प्रोडक्ट्स। ये तो हमें वेल नोन है कि हम प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ ही साथ वो एनिमल्स भी खाते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, लाइक गोट, हैन, डियर एट्सेट्रा। ठीक है, तो एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, राइट? एंड डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर यूज एज फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हम लोग खाते हैं एग हो गया, या फिर चिकन खाते हैं, एंड देन मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, राइट? हम इन सारे फूड को खाते हैं ताकि हमें न्यूट्रिशन मिल सके। ये बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होता है और साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑन अ लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल पर एनिमल यानी इन लाइफ स्टॉक की रेयरिंग करें, ब्रीडिंग करें, ताकि हम उससे फूड ले सकें या फूड प्रोडक्ट ले सकें, अदर फूड प्रोडक्ट ले सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ मीट। मीट क्या होता है? तो एनिमल का मांस, उसका फ्लैश जो हम खाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मीट कहते हैं। एंड वी गेट दिस फ्रॉम हैन, डक, शीप, गोट, पिग, काउ एट्सेट्रा। एनिमल प्रोटीन्स जो होते हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाईली मतलब न्यूट्रिशियस होते हैं। उसमें वाइटमिन होता है, प्रोटीन होता है, और एनिमल प्रोटीन को हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मीट खाते हैं तो इससे हमारे बोन्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे बोन्स को ये स्ट्रॉन्गर बनाता है और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करता है। मेटाबॉलिज्म इट मींस कि हमारे बॉडी में जिस भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट इज़ एग्स। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स में सारे तरह के विटामिन प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट विटामिन ई। तो ये इसी से पता चलता है कि एग जो है वो कितना ज़्यादा हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए। वी गेट एग फ्रॉम बर्ड्स लाइक हैन, डक। कुछ लोग कबूतर का भी एग खाना पसंद करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन जो हैन है वो मेन सोर्स होते हैं एग के लिए। पोल्ट्री फार्म इज़ द प्लेस वेयर रेयरिंग ऑफ बर्ड फॉर देयर एग एंड मीट टेक प्लेस। ओके, अंडा खाने से हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रांग होता है, हमारा जो सेल है वो रिपेयर होता है, साथ ही साथ ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे खाने से हमारा जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ये आई हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, और अगर हम इसे खाते हैं तो जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो भी कम हो जाता है। अगर आपको किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी है, या कुछ स्किन पर डिजीज़ हो गया है, तो आप अगर अंडे को वहाँ पर यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट रिड ऑफ दैट इन्फेक्शन और फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सी फूड। इसके बारे में तो क्या ही कहना है। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सी फूड क्या होता है। सारे एनिमल्स जो हमें सी समुंदर से मिलते हैं, जिसे हम खाते हैं, दैट आर सी फूड। ओके, लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब एट्सेट्रा। सी फूड्स में लो कैलोरी होता है, हाईली प्रोटीनस होता है, और इसमें ओमेगा 3 होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्थ बेनिफिट भरा हुआ है कह सकते हैं, और इसे खाने से हार्ट अटैक रिड्यूस होता है, ओबेसिटी नहीं होता, और साथ ही साथ ये हाइपरटेंशन को भी कम करता है। ओके, द नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट इज़ हनी। दिस इज़ द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स एंड मिक्स इट विद अ सेक्रेशन ऑफ देयर माउथ एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। और जो मधुमक्खी होती हैं, बीज होती हैं, वो इस हनी को अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, अपने बीहाइव में स्टोर करती हैं, और जो हनी है उसमें थोड़े अमाउंट में शुगर होता है, नहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है, और कुछ एंजाइम होता है। एंड रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एपिकल्चर। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर हम सिल्क वर्म की रेयरिंग करते हैं तो उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं, अगर हम हैन या फिर किसी भी बर्ड का रेयरिंग करते हैं तो उसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, अगर हम फिश की रेयरिंग करते हैं तो उसे हम पिसिकल्चर कहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आगे सीखेंगे। अब जो हमारा लास्ट फूड प्रोडक्ट है वो है मिल्क। Animals like cow, buffalo and goat which provide us milk are called milching animal. जो animal हमें
मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्किंग एनिमल यानी दूध देने वाले जानवर कहते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सम कॉमन डेयरी प्रोडक्ट्स विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ आर पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी एट्सेट्रा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक स्वीट्स। मिल्क को जो है वो एज अ कम्प्लीट फूड माना गया है क्योंकि ये रिच इन प्रोटीन होता है, इसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और सारे तरह के वाइटमिन्स होते हैं, और ये ज़िंदगी जीने के लिए जिस भी तरह का मिनरल हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है, उसमें वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसे पीने से हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दूध पीने के। हमारा बॉडी वेट है वो मेंटेन रहता है दूध पीने से। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई होगी, और किसी भी तरह का क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसे आप आसानी से कर लेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। तो एक बार हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ माइंड मैप देख लेते हैं जस्ट फॉर रिकैप। तो If you found this video helpful, then subscribe my channel and hit the like button. And yeah, don't forget to click the bell icon so that you get all the notification first. And share this video with your friends.